हम लोग 50-60-70 पे भगाते गाड़ी तो पूरा हवा हवा का वॉइस आ जाता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सो बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? सॉरी। तो क्या आपका भी माइक हवा का साउंड ज़्यादा लेता है मोटोलॉगिंग करते समय, और आपका जो भी आप वॉइस बोलते हैं वो सब वॉइस की वाट लग जाती है, आपका पूरा मोटोलॉग ख़राब हो जाता है, और बहुत सारे वीडियोस देख के भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है? तो यस, यू आर एट द राइट प्लेस। मैं लगभग 3-4 महीने से मोटोलॉग कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है माइक के साथ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मोटोलॉगिंग करते समय हमें वॉइस का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज सीधी सी बात है, हम लोग 50-60-70 पे भगाते गाड़ी तो पूरा हवा हवा का वॉइस आ जाता है। तो वो वॉइस ना आने के लिए आपको क्या क्या जुगाड़ करने हैं, क्या क्या आपको टेक्निक्स यूज़ करने हैं जिससे वो वॉइस परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, उसका आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा वापस। तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो कि खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 3 महीने का मोटोलॉगिंग एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, खासकर बिगिनर्स जो भी है प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो आपके पास एक फुल हेलमेट होना चाहिए जो कि पूरा आपको चिन को कवर कर सके, ऐसा हेलमेट होना चाहिए। कि कोई कोई हेलमेट आता है जो हाफ रहता है, हाफ चिन रहता है, जिससे सीधा अपना जो ये है ना हवा का इंटेक, हवा का जो साउंड है सीधा आपके माइक में चलाएगा तो उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। तो आप सबसे पहले हेलमेट चेंज करो। दूसरी बात, अगर आपके पास पूरा हेलमेट है, फुल हेलमेट है, देन ट्राई कि ये हेलमेट आपका फिट बैठे आपके सर में, ऐसा ना हो कि ढीला है किधर से, आपके जो चीक्स है या फिर आपके जो नीचे का गर्दन का एरिया है ना वो पूरा फिट बैठना चाहिए आपके हेलमेट में। अगर उधर ही लूज़ हो रहा है, आपके कान वान में हवा आ रही है, तो यार वो भी एक इशू है। अगर आपका हेलमेट ऐसा ये टाइप का आपका हेलमेट है तो उसको आप पैडिंग बढ़ा दो, पैडिंग बढ़ा के मिलता है, या फिर आप खुद से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग बढ़ा लो और एकदम पूरा फुल टाइट कर दो आपका हेलमेट, जिससे हवा के लिए कोई चांस ना हो। थर्ड पॉइंट हो गया, जो अपने हेलमेट में इधर सामने मुँह के सामने देखो, एयर इंटेक के लिए एक जगह रहती है, थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे होता है जगह, जैसे मेरे कैमरे के जस्ट पीछे ये जगह रहेगा और रहता है वो। आप जो अगर मोबाइल माउंट करते हो या फिर कैमरा माउंट करते हो तो उसके जस्ट पीछे देखो एक जगह रहता है, तो उस जगह को है ना पूरा फिक्स कर दो। मैं तो टेप वगैरह मार के है ना उसको अच्छे से पैक कर ले, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। आप MCL भी मार सकते हो अगर आपको फ्यूचर में इसको खोलना नहीं है, या फिर कुछ भी MCL से क्या पूरा बंद हो जाएगा, बट टेप रहेगा, टेप सही रहता है, आपको कभी बाई चांस निकालना भी पड़े ना तो निकाल सकते हैं आप। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया, अगर आपके पास सादा वाला माइक है लाइक 100-150 वाला, या फिर आपके पास एयरफोन है, तो ये सब के ऊपर क्या है एक वो कॉटन आता है, या फिर कोई एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक छोटा सा उसके ऊपर कवर आता है, वो कवर नहीं रहता ये सब चीज़ में। तो ट्राई करो कि एक आप अच्छा माइक ले लो। अगर मेरी बात कहूँ तो मैं तो एयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, सादा नहीं है वैसे, जेब्रोनिक का है, 650 रुपीज़ वाला एयरफोन है वो, तो वो एयरफोन में फ़िलहाल इधर लगाए हो। आपको आके दिखा दो मैं घर पे जाके कैसा क्या सीन है मेरा पूरा सेटअप, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में। तो उसके ऊपर वो कवरिंग नहीं आता है, तो आप खुद से भी लगा सकते हो उसके ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, लाइक एक वो ले लो, कॉटन ले लो, कॉटन को उसके ऊपर पूरा लपेट दो, जिधर आपका माइक का है, माइक पोजीशन है, जिधर आपका माइक लगा है उसके ऊपर पूरा घुमा दो, एंड दोनों साइड से टेप लगा दो, हो गया। और एक बात कि आपका माइक का पोजीशन सही होना चाहिए, आप बोल रहे हो तो आपके बरोबर मुख के सामने होना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत तो विंड का नॉइज आएगा ही नॉर्मली, बिकॉज तो उतना तो आना चाहिए यार मोटोलॉग में, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। खाली आपका ही वॉइस आएगा तो उससे तो वॉइस ओवर कर लो, पर वैसा नहीं, थोड़ा वॉइस आएगा ही, गाड़ी वाड़ी का वॉइस आता है थोड़ा सा, वही तो मोटोलॉग है, ठीक है। पर ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं आना चाहिए आपका वॉइस, हवा का वॉइस ओवर नहीं आना चाहिए, कि आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है, खाली हवा का आवाज आ रहा है ऐसा, तो वो वॉइस रोकने के लिए हम लोग ये जुगाड़ कर रहे हैं। तो चलो आपको दिखा दो, मैं आप मेरा सेटअप कैसा क्या मैं करके दिखाया हूँ। अभी मेरे को पूरा सब खोलना पड़ेगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर खोल के बता देता हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं ना, उन लोग ने कुछ नोटिस किया रहेगा नया, ये देखो ग्लोव्स, फाइनली ग्लोव्स आ गए। एक्चुअली ये ग्लोव्स मेरे पास पिछले हफ्ते ही आ गए थे,
पर पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, ना बाहर जा पाया। तो अभी ये फटाफट से एक बोला बाहर निकला हूँ तो एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ, एंड इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में कैसा है। अभी मैं थोड़ा इसको चलाऊँगा, अभी फ़िलहाल तो मेरे को बहुत टाइट हो रहे ग्लोव्स, ये जो ऊपर का नकल से ना, ये सब मेरे को अंदर चुभ रहे बहुत। देखता हूँ अभी शायद थोड़ा आगे जाके थोड़ा दिन यूज़ करके ये लूज़ वगैरह हो जाएंगे तो शायद सही हो जाएगा। मेरे को पकड़ने को भी नहीं हो रहा सही से ब्रेक, या फिर ये क्या बोलूँ, वैसे ही रहते हैं कि मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा वैसे ये। सो फाइनली हेलमेट पे आ गया हो गाइस, ये रहा मेरा हेलमेट, अभी आपको दिखाता हूँ मेरा पूरा सेटअप कैसा क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो एयरफोन, ये मेरा माइक है, यहाँ से मेरा वॉइस रिकॉर्ड होता है, ठीक है पूरा। ये एक्चुअली एयरफोन है, ये माइक्रोफोन नहीं है, माइक नहीं है, ये पूरा एयरफोन का केबल है। इधर इसके ऊपर के जो दो ये रहते हैं ना बर्ड्स, वो मैं काट दिए इधर से बिकॉज उसका कुछ यूज़ नहीं मेरे को। एंड ये इधर मेन जो है उसका माइक्रोफोन रहता है एयरफोन का, तो उसको मैंने यहाँ पर पूरा उसको ऊपर ऊपर से कॉटन घुमा के दोनों साइड में टेप, अभी टेप नहीं दिखेगा आपको शायद, टेप इसके पीछे है, ठीक है। तो इधर ये साइड भी टेप है और ये साइड भी टेप, तो वो टेप आपको इसके पीछे ढके है अभी, तो मैं अभी निकालूंगा नहीं। मैं जब भी मोटो लॉक सेटअप का वीडियो बनाऊंगा तब आपको पूरा ये खोल के वापस बिठा के दिखा दूंगा, ठीक है, पूरा ईयरफोन वगैरह खोल के, पूरा ये माउंट वगैरह खोल के दिखा दूंगा, ताकि तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल सके मोटो लॉक सेटअप का, ठीक है। तो बहुत सारा जुगाड़ किया मैं बाय द वे इसमें, कम से कम 7-8 बार इसको खोल के वापस लगाया हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ट्राई में नहीं होता है बराबर से, ठीक है। तो ये हो गया, अभी जो एयरफोन का एक्स्ट्रा केबल है वो मैं इधर छुपा के रखा हूँ, ताकि अगर मैं कभी बोला व्लॉग भी नहीं करता कभी नॉर्मल इधर घूमने जाता हूँ हेलमेट लेके, तो इधर छुपाने का साइड में, और किसी को दिखना हो तो लटकने का चांस नहीं है। एंड ये अपना एक्स्ट्रा केबल हो गया, ठीक है। ये मैं टेप इसके लिए लगे उसको, क्योंकि मेरा जो वॉइस है वो कैमरे से रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज HJCAM 8 Pro है मेरे पास, तो HJCAM 8 Pro में सीन ये है कि उसको लगता है 1600 रुपये वाला माइक, और वो माइक में भी इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल से ही कर देना माइक्रोफोन, तो मोबाइल को माइक्रोफोन ये केबल मोबाइल को लगा के मोबाइल से मेरा वॉइस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको बजट नहीं है, पैसा बचाना चाहते हैं, तो जो भी आप मतलब। और उसके बाद ये क्या होता है, इधर से इसे गिर जाता है नीचे, आपको दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये इधर से नीचे गिर जाता है, इसके लिए मैं इधर डबल टेप लगाया पीछे, और डबल टेप के ऊपर ये वापस एक और टेप लगाया अपना ब्लैक वाला, और मैं इसको चिपकाया हूँ। सेम इधर भी डबल टेप लगाया पीछे, शायद दिख रहा होगा आपको। एंड एयर इनटेक का जो बात कर रहा था आपको मैं, तो एयर इनटेक ये देखो, इधर से एयर इनटेक होता है इसके पीछे, जस्ट पीछे, ठीक है। ये टेप लगाया मैं इधर, टेप लगा के अच्छी तरह से इसको पैक किया है तीनों साइड से, ऐसा तीन त्रिकोण रहता है, ये ट्रायंगल शेप रहता है, तो ट्रायंगल पूरा मैं टेप लगाया हूँ एकदम टाइट। एंड सेम पीछे से भी इसको पूरा खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा, तो उस मोटोलॉक सेटअप के वीडियो में आ जाएगा सब वो चीज़, ठीक है। तो इधर भी टेप लगाया अंदर से पूरा, ताकि जो एयर का वॉइस है वो हेलमेट के अंदर से इधर ना आ जाए, माइक को बिल्कुल हवा नहीं आ रहा है। और मेरा ये हेलमेट थोड़ा लूज था पहले, तो लूज़ होने के कारण भी हवा आती थी बहुत सारी, जैसे मैं आपको बोला मोटोलॉक सेटअप है कि लूज़ होता है तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या करो, मेरे तरह एक सिंपल सा जुगाड़ कर सकते हो, देखो मेरे को मैं टॉर्च लेके आता हूँ, ये देखो अंदर दिख रहा है पैडिंग आपको, डबल टेप मारा हुआ एक इधर भी है एंड एक ये सामने, ये दिख रहा है आपको सामने, एकदम सामने देखो, ये एक्स्ट्रा पैडिंग में मेरे घर पे ही लगाया हूँ। आप अच्छा पैडिंग लगाना चाहते हैं तो ये पूरा खोल के ना, ये ओरिजिनल पैडिंग खोल के इसके अंदर एक्स्ट्रा पैडिंग लगा के मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट प्राइमरी जुगाड़ ये भी कर सकते हो आप, देख सकते हो। तो ऐसा कुछ है मेरा माइक का सेटअप, ठीक है। तो चलो अभी आपसे मिलते हैं वापस मोटोलॉक सेटअप पे। तो गाइज ऐसा कुछ था मेरा माइक का सेटिंग, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ये उसे थम्सअप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने नए मोटोलॉगिंग दोस्तों के साथ। यार देखो रील्स का शूट हो रहा लगता है, ठीक है, अपने मोटोलॉगिंग दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड बाय बाय।